स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन. वी डिस्कस अबाउट क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर नंबर फर्स्ट इन बायोलॉजी. बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने ऐसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा. दिस प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन. व्हाई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन. लाइफ स्पेन, स्पीसीज कंटिन्यूटी. स्पीसीज की क्या हो आपकी? कंटिन्यूटी बनी रहे. SPEICL स्पीसीज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी स्पीसीज की क्या हो आपकी? कंटिन्यूटी बनी रहे. इसीलिए क्या किया जाता है आपका? रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है. न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपकी स्पीसीज टू स्पीसीज बनी रहे और लाइफ का सर्वाइव चलता रहे, या अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू बने रहे. एक वर्ड यूज आता है लाइफ स्पेन. Life span. What is life span? It is a period of time to from birth to natural. It is a time period birth to natural death. It is a time period birth to natural death. मतलब birth से natural death के बीच का जो time period होता है वो क्या होता है आपका? Life span. अलग अलग organism में, different organism में life span अलग अलग होता है. जैसे parrot की बात की, पैरट कितना होता है? 140 ईयर्स. बनियन ट्री मेनी ईयर्स. स्नेक 150 ईयर्स. डॉग 15 ईयर्स. ह्यूमन बींग्स एवरेज 60 ईयर्स. तो लाइफ स्पेन वो प्रोसेस इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है वो क्या होता है आपका? लाइफ स्पेन. अपना मेन टॉपिक क्या? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या होती है आपकी? बनी रहती है. तो अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अपना टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सिंपल सा है कि वो प्रोसेस जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वो होता है. इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है आपकी? बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे. प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है. एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एन
ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, नोन एज रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। और जो ऑफस्प्रिंग होगी सिमिलर टू पेरेंट, सिमिलर टू पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, सिमिलर टू पेरेंट्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, या स्टडी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट निकल के आता है कि रिप्रोडक्शन आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेसेसरी ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्यों नेसेसिटी है, एक्सटेंस ऑफ लाइफ। अपने देखा रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोड्यूस नो ऑफस्प्रिंग, और जो नो न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट्स के क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे, या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स के जैसे होंगे। तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई नीड रिप्रोडक्शन। तो एक्सटेंस ऑफ लाइफ, एक्सटेंस ऑफ लाइफ क्या हो, आपकी लाइफ का एक्सटेंस बना रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सपोज दैट एक मैंगो ट्री है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा एक पर्टिकुलर सीजन में, तो क्या न्यू मैंगो ट्री का फॉर्मेशन होगा, विदाउट अर्थ क्या हो जाएगी, मैंगो। अर्थ क्या हो जाएगी, मैंगो विदाउट, मतलब अर्थ पे कोई मैंगो का ट्री नहीं बचेगा। तो एक्सटेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के एक्सटेंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, रिप्रोडक्शन की। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहे। व्हाट इज स्पीसीज, इट इज ए अकॉर्डिंग टू मेयर। मेयर एक साइंटिस्ट है जिसने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की याद दिया था। तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहेगी। स्पीसीज क्या होती है, इट इज ए बायोलॉजिकल यूनिट है स्पीसीज। स्पीसीज रिप्रोड्यूस ईच अदर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल यूनिट होती है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक यू। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा। वो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, आपका फर्टाइल होगा। स्पीसीज प्रोड्यूस या इंटरब्रीड ईच अदर, आपस में क्रॉस करेगा, इंटरब्रीड करेगी और न्यू जनरेशन का, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगी। और वो ऑफस्प्रिंग भी कैसी होगी, आपकी फर्टाइल होगी। वो ऑफस्प्रिंग भी क्या होगी, आपकी फर्टाइल होगी। तो स्पीसीज बायोलॉजी की बेसिक यूनिट है, जैसे सेल क्या आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ, वैसे स्पीसीज क्या आपके रिप्रोडक्शन की बेसिक यूनिट है, या कह सकते हैं बायोलॉजी की यूनिट है। और क्लासिफिकेशन में सबसे क्या कह सकते हैं, आपकी फंडामेंटल यूनिट है कौन, स्पीसीज। तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए क्या नेसेसरी है, आपका रिप्रोडक्शन। स्पीसीज वो होती है जो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी। और वो स्पीसीज भी कैसी होगी, फर्टाइल होगी, मतलब उसमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। और ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट था स्पीसीज का, ये किसने दिया था, आपका मेयर ने। तो अपन देख रहे हैं रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, एक्सटेंस ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसके लिए क्या हो सकता है और क्या हो सकता है इसका थर्ड, तो अपन लिख सकते हैं पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या आपकी रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। तो ये है आपकी रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी। अब देखते हैं व्हाट आर रिप्रोडक्शन, अपन ने देखा व्हाट आर रिप्रोडक्शन, एक्स नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली अपने स्टडी करेंगे, व्हाट आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप एंड इट्स यूजेस, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी, एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले इसकी डिफाइन करेंगे। ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, देखना है इसको, ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मेल होगा फीमेल होगा और इंडिविजुअल, और क्या कह सकते हैं आप, इंडिविजुअल। ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन होगा ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इसमें रोल प्ले करेगा, मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, प्लांट्स की बात करें तो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है और लीफ होगी, पर बट सिंगल होगा, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा, सेकंड क्या होगा या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना मेल गैमेट बनेगा ना फीमेल गैमेट बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। थर्ड क्या कह सकते हैं अपन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, नो गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा और ना ही क्या होगा आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में और प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है, लोअर कैटेगरी के इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा और फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रॉपर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से बोला जाता है, और एनिमल्स में इसको क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन देखते हैं एक टर्म क्या क्लोन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज ले सकते हैं अपन। एक वर्ड यूज किया मैंने, क्लोन, देखा होगा क्लोन, नाम सुना होगा क्लोन क्या होते हैं, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल इक्वल दिखते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं, आपको बिल्कुल इक्वल देखते हैं। तो क्लोन को यूज अपन क्लोन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लोन क्या होते हैं, क्लोन टर्म यूज किया, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली। देखो दो वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। क्लोन क्या होगा, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्लोन टर्म के लिए या क्लोन एक वर्ड आएगा आपके बुक में दे रखा होगा, व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजी मींस आउटर, बाहर से कैसे दिखेंगे, वो आपको बिल्कुल इक्वल दिखेंगे। सपोज दो, जैसे आपके मूवीज वगैरह में क्या किया जाता है, आपके क्लोन बना दिए जाते हैं, तो आइडेंटिक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, तो वो क्या होगी, मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से आपको कैसे दिख रहे हैं वो है आपकी मॉर्फोलॉजी। जेनेटिकली अगर अपन उनका जेनेटिक्स देखें, उनके डीएनए आरएनए वगैरह देखें, तो वो क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। तो क्लोन क्या होगा,
मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। इस टर्म के लिए अपन क्या करते हैं, या फिर इसके प्रोडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। अब चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन डिटेल से देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अपनी हेडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हायर कैटेगरी के एनिमल्स में तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं आपके, अलग अलग होते हैं, यानी कह सकते हैं मोनोसियस होता है, मतलब मेल गैमेट अलग है और फीमेल गैमेट अलग है, उनका फ्यूजन होगा और उसके बाद क्या बनेगा आपका, एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसमें होगा, आपके लोअर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स में। सबसे पहले देखते हैं अपन लोअर कैटेगरी के एनिमल्स, तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं अपन फिजन, कई टाइप्स का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, इसके टाइप सबसे पहले फ्यूजन देखते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूजन्स होते हैं। तो सबसे पहले ये फ्यूजन का मतलब होता है इंडिविजुअल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कोई भी इंडिविजुअल है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इंडिविजुअल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट, फ्यूजन में क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल है वो दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, तो नोन एज फ्यूजन, इंडिविजुअल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फ्यूजन आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, आपके वैसे कई टाइप्स के होते हैं, आपके दो टू टाइप्स के देखे। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका अमीबा, और इसका अपन डायग्रामेटिक देखेंगे। बाइनरी फ्यूजन सबसे पहले देखा अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और इसके टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स में पहला क्या है आपका फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल्स होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पोर्शन है, या कह सकते हैं इसको डिवाइड किया गया बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन, बाई यानी टू और फ्यूजन यानी पार्ट, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन को अपन ऐसे करेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, डिवाइड इनटू टू पार्ट नोन एज बाइनरी फ्यूजन। इसके एग्जांपल है आपके, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अमीबा, उसका डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अमीबा पेरामीशियम युग्लिना, ठीक है, तो अमीबा क्या होता है, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होगा आपका बाइनरी फ्यूजन होगा, और ये किस में डिवाइड हो जाएंगे आपके, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है सिंगल सेल, सबसे पहले देखते हैं अपन अमीबा। अमीबा सबका देखा होगा, अमीबा को सबने देखा हुआ होगा, इसके अलावा अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, 9th क्लास से आपके अमीबा स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं बाइनरी फ्यूजन, ये क्या आपका अमीबा है।
अमीबा कैसा होता है आपका? इररेगुलर शेप का। अमीबा की शेप कैसी होती है आपकी? इररेगुलर। ये क्या है इसकी? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स। अमीबा की क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। वैक्यूल्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इसके अलावा ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये है आपका अमीबा। अब बाइनरी फ्यूजन में एक्चुअल में होता क्या है? अमीबा इक्वल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एनलार्ज होके। देखो इसकी कंडीशंस, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपका? जो आपका अमीबा है, ये आपका अमीबा है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा आपका? एनलार्ज हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी ये क्या आपका आपस में जॉइंट है, टू पार्ट्स में क्या हो रहा है आपका? डिवाइड हो रहा है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी डिवाइड होगी, दो में डिवाइड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी क्या हो गया आपकी? दो में डिवाइड। ये इसका क्या आपका? साइटोप्लाज्म है। थर्ड स्टेज में क्या होगा आपके? यहाँ एक ट्यूब लाइक, या कह सकते हैं ये डिवाइड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब इसका न्यूक्लियस, हाफ न्यूक्लियस का जो दो डिवाइडेशन हुआ था, ये यहाँ से डिवाइड नहीं, अब डिवाइड होके इस पार्ट में चला जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये डिवाइड हुआ। अगली स्टेज में क्या होगा? अगली स्टेज में क्या होगा? डिफ्रेंशिएट होके आपके टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन। इसका डायग्राम मैं यहां बना देती हूँ। टू डॉटर अमीबा का क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये साइज में इससे छोटी होगी। इसका साइज क्या होगा आपके? इसमें इससे स्मॉल होगा, पर इसमें जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, वो सारा क्या हो जाएगा? ये टू डॉटर अमीबा है। ये क्या आपके? डॉटर अमीबा। ये डॉटर अमीबा। तो अमीबा में एक्चुअल में होता क्या है? ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। अब इसका न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिवाइड होके दो में डिवाइड हो जाएगी। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगी? एक अपर्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपर्चर स्टार्ट होगी, फिर क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड होके दो में, इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी क्या होगी? डिवाइड होगी। और लास्ट में क्या होगी? टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। तो ये क्या आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें सबसे पहला था आपका बाइनरी फ्यूजन। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन? मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक सेल्स क्या होगी? मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाएगी। अगला क्या आपका? ये आपने लिख लिया होगा, देख लो इसका डायग्राम, मल्टीपल फ्यूजन। अगला है आपका मल्टीपल फ्यूजन। सेकेंड टाइप है आपका मल्टीपल। सेकेंड क्या आपका? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का नाम तो सुना ही होगा आपने, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, वो क्या होता है आपके? प्लाज्मोडियम होता है। रफ कर दूं इसको मैं। मल्टीपल फ्यूजन को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म divide into multiple parts. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू मल्टीपल पार्ट्स। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कोज करता है। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या? सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है,
ये प्लाज्मोडियम है, तो ये क्या हो, ये प्लाज्मोडियम है, सपोज ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का सिस्ट है, तो ये मल्टीपस में, इसके बहुत सारे मल्टीपस में क्या हो जाएंगे, आपके टुकड़े हो जाएंगे, और जितने इसके आपके पार्ट होंगे, जितने पार्ट होंगे उन पार्ट से न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जितने भी पार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड दिस पार्ट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है आपके मलेरिया कोज करता है, मलेरिया पेरासाइट्स आपका प्लाज्मोडियम। तो सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइन सॉरी फ्यूजन का था बाइनरी फ्यूजन, और सेकेंड क्या है मल्टीपल फ्यूजन। अब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप देखते हैं, बडिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेयरी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन बडिंग। सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग, सेकेंड टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होगा, जैसे यीस्ट सैकेरोमाइसेटिस सेरेबेसी, यीस्ट जो बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन है, तो बडिंग में क्या होगा, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट की बात करें सैकेरोमाइसेटिस सेरेबेसी, ये आपका यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लिया है, यहां एक बड बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां एक बड का फॉर्मेशन होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बड में वो सारे पोर्शन होंगे जो एक ऑर्गेनिज्म होंगे। अगली स्टेज में क्या होगा, ये बड ग्रो करेगी, ये बड क्या करेगी आपकी एनलार्ज होती जाएगी, बड क्या करेगी आपकी एनलार्ज, ये इसका साइटोप्लाज्म, इस बड पे एक बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जो यीस्ट है उसमें क्या होता है पर सेकेंड पर मिनट क्या होता है आपके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। बडिंग में क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ये बड फॉर्मेशन हुई, इस पे एक बड और बन गई, बड की क्या बन जाती है आपकी ब्रांचेज, बड की क्या हो जाएगी आपकी ब्रांचेज, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, और 2 3 स्टेज के बाद क्या होगी, ये बड क्या होगी, यहां से कट होके, ये बड सपोज यहां से कट होके न्यू फॉर्मेशन कर लेगी आपके, किसका, न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेगी, नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेगी। ये साइज में कैसी होगी आपकी, स्मॉल होगी, ये साइज में कैसी होगी आपकी, स्मॉल होगी, बट इसमें वो सारे सब्सटेंस होंगे जो एक सेल को सर्वाइव करने के लिए। तो बडिंग में क्या होगी, जैसे अपन एग्जांपल देखिए, ईस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, ईस्ट इसमें क्या होगा, जो मेन प्लांट बॉडी है या जो मेन प्लांट बॉडी है उस पे, एनिमल बॉडी है उस पे क्या होगा, एक बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगी, 2 3 4 फेज के बाद क्या हो जाएगी, इस बड ये मेन जो आपका प्लांट है या एनिमल है उससे डिटेच होके न्यू एनिमल का, यीस्ट केस में आता है आपके फंगी, फंजाई में यीस्ट, सैकेरोमाइसेटिस फंगी में आता है आपका, यीस्ट फंजाई में आता है। तो ये क्या था आपका बडिंग, जो मोस्टली किसमें है आपका बडिंग होता है, यीस्ट में हो सकता है, हाइड्रा भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अपन हाइड्रा भी देख सकते हैं। तो ये क्या था आपका बडिंग किसमें, यीस्ट में, ऐसा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा कैसा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपका हाइड्रा, ये इसका होल्ड फास्ट है, इससे क्या हुआ, ये इसके टेंटिकल्स है, हाइड्रा के ये टेंटिकल्स है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है। अब क्या होगा, मेन हाइड्रा में यहाँ एक बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगली स्टेज में क्या होगा, ये बड ग्रो करने लग जाएगी, इस बड का साइज क्या हो जाएगा आपका लार्ज हो जाएगा, अगली स्टेज में क्या होगा, बड का साइज लार्ज हो जाएगा, फिर उससे अगली स्टेज में इसका साइज और लार्ज हो जाएगा, ये इसकी अगली स्टेज है, इसमें साइज क्या हो गया आपका, इस बड का साइज और लार्ज हो गया, इस बड का साइज क्या हो गया आपका लार्ज, और अगली स्टेज में क्या हो गया, ये मेन हाइड्रा है और ये क्या हो जाएगी, इसकी बड से जो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ है, ये इस प्लांट बॉडी से क्या हो जाएगी आपकी डिटेच, सॉरी एनिमल बॉडी से क्या हो जाएगी आपकी डिटेच हो जाएगी और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगी।
ये साइज में इससे स्मॉल होगा, बट क्या होगा, सिमिलर टू हाइड्रा। तो इस तरह से क्या होता है, बडिंग का एग्जांपल है आपका हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों में बडिंग सिस्टम से क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू, आपको कैसा लगा इस टॉपिक्स में, कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।